पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिदेशक सुजीत कुमार ने शराब मामले में गिरफ्तार हुए बांका टाउन थाने के निलंबित दरोगा रामप्रीत कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डीआईजी की इस कार्रवाई से पूरे रेंज में हड़कंप मच गया है। बता दें कि उक्त दरोगा चौकीदार के साथ मिलकर शराब खरीद रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसके आधार पर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने दरोगा और चौकीदार के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जाँच के लिए एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव को लगाया गया था। एसडीपीओ ने पूरे मामले को सही पाया और वीडियो में जो बोतल थी वह शराब की बोतल नहीं थी, लेकिन बोतल के अंदर शराब थी, इस बात की पुष्टि हो गई, जिसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया और बांका एसपी के निर्देश पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने बताया कि चांदन नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कार्य होगा, जो निविदा प्रक्रिया में है। इसके अलावा जल्द ही 2 करोड़ की लागत से डायवर्जन के निर्माण कार्य को भी शुरू करवाया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जिले के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अब चांदन नदी का पुल ध्वस्त हो जाने से रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मजबूरन लोगों को नदी पार कर बांका आना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने पुल के दोनों छोरों को सीमेंटेड दीवार से घेर दिया है, जिससे 4 प्रखंड सहित 8 थानों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालय आने के लिए लोगों को अब कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। चांदन नदी पार कर रहे पंकज कुमार, मोहम्मद रहमत सहित अन्य लोगों ने बताया कि सारी जरूरतों की पूर्ति बांका से ही होती है। ऐसे में पुल ध्वस्त हो जाने से परेशानी बढ़ गई है। किसी तरह नदी पार कर बांका आ रहे हैं। सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि 6 महीने पहले ही पुल टूट चुका था, तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को लोगों की परेशानियों का ख्याल करते हुए कम से कम डायवर्जन तो बना देना चाहिए था। इस पुल के संबंध में डीपीआर का काम बनने का काम प्रारंभ हो गया था 1.5 महीना 2 महीना, लेकिन बीच में ये कोरोना वायरस वाला मामला आ गया, थोड़ा इस काम में सुस्ती आई। लेकिन अभी ये पुल का काम, अब जब पुल ध्वस्त हो गया तो फिर पुल के प्राकरण का कार्य तुरंत पूरा हुआ है और हमने उच्चस्थ पदाधिकारी से लेकर सारे अधिकारियों से बातचीत की है और इस विभाग के राज्य के मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी से भी मैंने बात की है। ये पुल का निर्माण काम जल्द प्रारंभ किया जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अमरपुर थाना क्षेत्र के कठेल मैदान के पंचायत भवन में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया। बताते चले, इन सेंटरों में गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश, रामपुर, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर, गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, दरभंगा सहित अन्य जगहों से कुल 69 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, जिनकी भोजन आदि की व्यवस्था नोडल पदाधिकारी सह अमरपुर सीओ सुनील कुमार शाह को करनी है। सेंटर पर रह रहे मजदूरों ने बताया कि हम लोगों को नाश्ता नहीं मिलता है, बल्कि 2 टाइम भोजन दिया जाता है। साबुन, बिस्तर एवं बेड की काफ़ी किल्लत है, ना ही मच्छरदानी और ना ही किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। मामले को लेकर नोडल पदाधिकारी सह सुनील कुमार शाह ने बताया कि सेंटर में रह रहे मजदूरों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। सह सभी मजदूरों को भोजन कराई जा रही है। स्वयं सेंटरों का समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए सेंटर में मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते आ रहे हैं। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के लोंगाय गांव में बालू उठाव को लेकर हुई मारपीट में महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी विकास चौधरी, उनकी पत्नी समता देवी, लखनलाल चौधरी, रतन चौधरी एवं विपुल चौधरी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी लखनलाल चौधरी ने बताया कि गाँव के समीप भीका बांध पोखर से गाँव के ही शिवनंदन चौधरी जबरन बालू का उठाव कर रहे थे। जब इसका विरोध किया तो शिवनंदन चौधरी समेत नकुल चौधरी, रंजीत चौधरी, शुभम चौधरी और आलोक चौधरी लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है।
बौसी सर्किल के इंस्पेक्टर गोपाल सिंह ने मंगलवार को पंजवारा स्थित झारखंड बॉर्डर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और झारखंड से बिहार सीमा में आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से पास जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही उनका डाटाबेस तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। मौके पर एएसआई मुकेश सिंह और मजिस्ट्रेट अखलाकुर रहमान और सतीश कुमार मौजूद रहे। कोरोना वायरस से आम लोगों के बचाव के लिए शहर के समाजसेवी सत्यम कुमार महतो एवं चंदन तिवारी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, जिसके तहत विगत 5 दिनों से प्रखंड के हरेक गांव को पूरी मुस्तैदी के साथ सैनिटाइज कर रहे हैं। मंगलवार के दिन कटहल स्थित फतेहपुर पंचायत भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर, अमरपुर स्थित रेफरल अस्पताल, अमरपुर थाना एवं क्षेत्र के लुंगाय गाँव के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज करते हुए आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव 3 केस मिलने से हम लोग युवाओं ने एक थाना है कि पूरे अमरपुर प्रखंड को कोरोना से मुक्त करने के लिए हम लोग पूरे गांव-गांव में जाके सैनिटाइज करा रहे हैं। जैसे कि बस स्टैंड, रेफरल अस्पताल, थाना, हर एक चौक, हर एक गली मोहल्ले, बिसम्बर चक, हर एक गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग। युवाओं ने ठाना है कि अमरपुर को कोरोना से मुक्त करना है। कोरोना पॉजिटिव आने के कारण हम लोग ने एक विचार किया कि पूरे जो अमरपुर प्रखंड है उसको पूरा सा सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि बहुत सारे जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। इसी कारण मैं हम लोगों ने थाना की इसको सैनिटाइज किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दिसंबर चौक गांव है, यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं, मंदिर है उसको भी सैनिटाइज हम लोग ने कर रखा है। बुधवार को बाराहाट प्रखंड के संत महर्षि मेही सैनिक आवासीय विद्यालय प्रांगण में परम पूज महर्षि मेही की 136वीं जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी सही से पालन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक भोला कापरी ने कहा कि परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, सिर्फ उसे अपनी अंतरात्मा से स्पर्श करने की जरूरत है। मनुष्यों को अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। वहीं विद्यालय के प्रचार बबलू कापरी उप ज्ञानेश्वर कापरी ने कहा कि हम सभी लोगों को परम पूज सीजी के आदर्शों का अनुसरण करके उनके रास्तों पर चलना चाहिए। मनुष्यों को मनुष्यों से भाई के तहत ही व्यवहार करना चाहिए। इस पावन अवसर पर विद्यालय के संचालक विनय कापरी, प्रचारक सीताराम शाह, अभिनव कुमार उर्फ मोदी जी, अनिल कुमार, सूरज कुमार उपस्थित थे। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के साहबगंज बाजार में सोमवार को बलराम गुप्ता के द्वारा खुद सब्जी काटने वाली छुरी से अपना गला काट लेने तथा इलाज के लिए बांका ले जाने के क्रम में मृत्यु हो जाने के मामले में पत्नी कंचन कुमारी ने थाने में लिखित आवेदन देकर यूडी केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपने लिखित बयान में बताया कि मेरे पति की दिमागी स्थिति खराब थी, जिसका इलाज चल रहा था। इसी क्रम में किचन में घुसकर सब्जी काटने वाले चाकू से अपना गला काट लिया। इसे देखने के बाद हल्ला करने पर स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस उसे उठाकर इलाज के लिए ले गई। इलाज ले जाने के क्रम में ही सुमुखिया मोड़ में उसकी मृत्यु हो गई। टेम्पू चलाता था बलराम गुप्ता, घर साहेबगंज। कौन था ना? थाना बेलहर। टेम्पू चला के यह जीवन यापन अपना व्यतीत करता था, यह माता पिता से अलग रहता था। लॉकडाउन में इसका टेम्पू चलना बंद हो गया, जो कि इसको खाने पीने का दिक्कत होने लगा। कुछ समाज का लोग हेल्प भी किया, फिर भी इसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, यह कल शाम में खुद अपने आप आत्महत्या कर लिया चाकू से। आप उनका कौन है मृतक का? मृतक का बड़ा भाई है गोतिया में। बांका जिला के शंभुगंज थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव निवासी 40 वर्षीय पुरुषोत्तम सिंह ने सोमवार की रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पत्नी नूतन देवी ने यूडी केस दर्ज कराया है। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका भेज दिया है। नूतन देवी ने बताया कि 2 दिनों से मामूली विवाद पर घर में झगड़ा चल रहा था। शाम में पति बिना नाश्ता किए घर से चले गए थे। काफी देर तक घर नहीं आए तो खोजबीन की गई। घर से लगभग 60 गज की दूरी पर एक बगीचे में उनका शव लटका हुआ पेड़ से मिला। ग्रामीणों की सूचना पर शवको पेड़ से नीचे उतार कर पुलिस को खबर दी गई। थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि घटनास्थल से किसी भी तरह का सुसाइड नोट सहित अन्य कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मृतक पुरुषोत्तम नशा सेवन भी करता था, क्षेत्र में महुआ शराब की बिक्री भी करता था। इस मामले में एक बार जेल भी गया था। फिलहाल परमानंदपुर पंचायत के कई गांव में जनरेटर से लाइट देने का काम भी करता था। इसके अलावा इंटरेस्ट पर पैसा भी लगाने का काम करता था।
पहले तो गला दबाकर हत्या की चर्चा हुई, बाद में खुदकुशी का मामला सामने आया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। तो पता नहीं है, हम लोग 7-8 बजे का आसपास वो लोग निकला था घर से। आज? हाँ, रात में। अच्छा। 7-8 बजे निकला था, और उसके बाद फिर खाना पीना खाने के बाद 10-11 बजे हम लोग देखे तो नहीं आया था। फिर कुछ देर वेट किए, हम लोग सो गए, फिर देखे सोचे फिर आएगा नहीं आएगा, आएगा अपने आ जाएगा। तो फिर नहीं आया, तो फिर हम तो खोजना शुरू किए। तो खोजना किए चारों तरफ, खोजे इधर पूरा बैहार जंगल तरफ, उधर गए नदी की तरफ, कहीं कुछ नहीं मिला। तब फिर घूमते घूमते आगे कुत्ता उस जगह बगल में भूख रहा था, तो उस जगह ज़्यादा कुत्ता बोल रहा था, उसी जगह फिर हम लोग सोचे कि यहाँ कुछ है क्या। एक बार फिर से घूमते घूमते फिर गए चेक करने के लिए, तो वहाँ देखे एक काम पे पैर के नीचे पड़ा।